अब हम स्क्वायर के दोनों फार्मूलों को ऑपरेट करना सीखेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये सवाल है, 3a प्लस 5b का होल स्क्वायर। यानी हमसे कहा गया है कि 3a प्लस 5b का होल स्क्वायर मालूम करें। एक तरीका तो ये है कि हम इस ब्रैकेट को दो बार लिखकर आपस में मल्टीप्लाई कर दें, और एक तरीका ये है कि हम इस पर ये वाला फार्मूला अप्लाई कर दें। इस वाले फार्मूले में a प्लस b का होल स्क्वायर है, यहाँ पर भी a प्लस b का होल स्क्वायर है। इसको अगर कंपेयर करें तो a दरअसल 3a है और b दरअसल 5b है। तो जब हम इस फार्मूले को ऑपरेट करने जाएंगे तो इस फार्मूले में हम इसे पुट कर देंगे, यानी a की जगह पर हम लिखेंगे 3a और जहाँ a आ रहा है वहाँ लिखेंगे 3a और जहाँ b आ रहा है वहाँ लिखेंगे 5b। तो आइए देखते हैं कैसे ऑपरेट करेंगे। a की जगह पर हम लिखेंगे 3a और ये इस पर स्क्वायर है तो हम भी इस पे क्या डाल देंगे, स्क्वायर डाल देंगे, प्लस प्लस 2, 2 एज इट इज, ब्रैकेट ब्रैकेट, फिर क्या आ गया, ए। ए की जगह हमें क्या लिखना है, 3a, तो हमने इसकी जगह लिख दिया 3a, ब्रैकेट बंद, ये वाली ब्रैकेट बंद, ये वाली ब्रैकेट बंद, फिर दूसरी ब्रैकेट शुरू, उसके बाद बी है, बी की जगह हमें क्या लिखना है, 5b, ब्रैकेट बंद, प्लस प्लस बी, बी की जगह हमें क्या लिखना है, 5b, होल स्क्वायर है इस पर, हमें भी इस पे होल स्क्वायर डालना है। तो हमने क्या करा, हमने ये करा कि इस फार्मूले में ए की जगह पे 3a लिख दिया और इस फार्मूले में बी की जगह पर 5b लिख दिया। अब हम इसे हल करेंगे। 3 की पावर 2 का मतलब 9, 3 का स्क्वायर 9 होता है और a का स्क्वायर एज इट इज़, प्लस ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 2 3 ज़ा 6, 6 5 ज़ा 30, 2 3 या 6, 6 5 ज़े 30, और ए और बी एक साथ आ गया, प्लस प्लस 5 का स्क्वायर है 5 की पावर 2, 5 को 2 मरतबा लिख के मल्टीप्लाई करते हैं, 25। 5 की पावर 2 का मतलब 5 दूनी 10 नहीं होता, बल्कि 5 को 2 मरतबा मल्टीप्लाई करना होता है लिखकर, 5 5 ज़ा 25, b की पावर स्क्वायर, ये इसका हल हो गया। इसी तरीके से एक एग्जांपल और गौर करें। एक सवाल हमें यूँ दिया जाए, 4a माइनस 3b, और हमसे कहा जाए कि इसका होल स्क्वायर कीजिए। अब ये फार्मूला a माइनस b है, जबकि a बराबर है 4a और b बराबर है 3b। इसका मतलब है जहाँ a आएगा, हमें ये वाला फार्मूला यूज़ करते हुए जहाँ a आएगा वहाँ 4a लिखना है और जहाँ b आएगा वहाँ 3b लिखना है। आइए इसे भी अप्लाई करते हैं। पहले लिखा हुआ है a, a की जगह हम क्या लिखेंगे, 4a, इसका स्क्वायर है, इसका स्क्वायर करें। इसको देखते हुए हमें वैल्यूज़ पुट करनी है, माइनस माइनस 2 2, ए ए की जगह क्या लिखा जाएगा, 4a, ब्रैकेट बंद, और उसके बाद बी, बी की जगह क्या लिखा जाएगा, बी की जगह लिखा जाएगा 3b, प्लस प्लस
बी, बी की जगह क्या लिखेंगे हम, थ्री बी, यहाँ पर स्क्वायर डला है, यहाँ पर स्क्वायर। जब आप फार्मूला ऑपरेट करते हैं तो आपकी नज़र फार्मूले पर होती है, जो फार्मूले में ए आया उस ए की जगह हमें जो दिया गया ए है वो रख दिया, फार्मूले में चलते हुए जहाँ बी आया वहाँ जो बी हमें दिया हुआ है वो बी हमने उस जगह पे लिख दिया। अब इसको हल कर लीजिए, 4a² 4 का स्क्वायर, 4 4 ज़ा 4 2 ज़ा नहीं, 4 4 ज़ा 16, a² ये आपस में सब मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 2 4 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24, और ए बी एक साथ, प्लस प्लस 3 का स्क्वायर 9, b². तो इस तरह से हम फार्मूले को अप्लाई करते हैं। एक एग्जाम्पल पर और गौर करें, हमें दिया गया है 4a + 1/2a का होल स्क्वायर। इसे भी हमें फार्मूले के ज़रिए हल करना है। हमारा ए है 4a और हमारा बी है 1/2 है। फार्मूला हमें जानते हैं a², तो ए की जगह हम लिखेंगे 4a² प्लस, फार्मूले में होता है 2ab, ये फार्मूला हमारे जहन में होना चाहिए, a² प्लस 2ab प्लस b². तो a² हमने पुट कर लिया, अब 2a, ए की जगह पर 4a और b की जगह पर 1/2a और प्लस b², बी स्क्वायर की जगह पर 1/2a² अब इसे हल करेंगे। 4 का स्क्वायर 16 होता है, 16a², ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, लेकिन ये क्योंकि नीचे इसलिए इस 2 से ये 2 कैंसिल और इस a से ये a कैंसिल, तो मैंने ये वाले 2 से ये वाला 2 कैंसिल किया और ये वाले a से ये वाला a कैंसिल किया। इस तरह हमारे पास अब बचा 4 1 ज़ा 4 प्लस का 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर। इस तरह हमें अगर ए प्लस बी का होल स्क्वायर की फॉर्म दी गई हो या ए माइनस बी के होल स्क्वायर की फॉर्म दी गई हो, उन दोनों के लिए हम ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला और ए माइनस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई करते हैं।